कितना भी अंधेरा हो, वो हर मुश्किल का हल निकालेगा और हमें सही मंजिल पे लेकर के पहुंचाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, तो सर मैंने आपको वहां पे जब मैंने सुना कि वाकई में ऑपरेशन हेड किसको कहते हैं, मैं ये शब्द चूंकि आज तक डायरेक्ट सेलिंग में इतने सारे कंपनी के, लेकिन ऑपरेशन हेड के नाम से जो आप लोग थे मैं कभी नहीं जानता था। तो वाकई में मुझे उस दिन फीलिंग्स आया, इतने सारे प्रोग्राम हमारे विज्ञान सर ने और पूरे एसटीएम ग्रुप ने जो किया था, उसे किस तरीके से आपने वन टू वन करके हायर किया और उसे किस तरीके से सफल बनाया आप वहाँ पे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे टीम मैनेजमेंट के अंदर हमारे गृहधर सर हैं, जिनका मैं मेहनत देखा कुछ दिन जो हमारे ऑफर के टाइम पे थे, वो रात रात भर रात के 1 बजे 1:30 बजे रात तक वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी उनको कभी मैंने देखा नहीं। मैंने देखा जितेंद्र सर को कि कोई भी कंपनी के अंदर मैसेजेस आते हैं, वो हर एक व्यक्ति को मैं समझता हूँ जो उनसे जुड़े हैं लगभग प्लेटिनम आईडी वर्क सभी को पार्टिकुलर मैसेज कर रहे हैं। ऊपर से मैं अमित सर को देखता हूँ कि आप एक मैसेज भी डालिए कि सर हमारा प्रोडक्ट का डिलीवरी कहाँ हो रहा है, वो तुरंत रिप्लाई आ जाना। और वो चित्रा मैम का किसी का बर्थडे विश करना और चाहे किसी की एनिवर्सरी डे हो, कुछ भी जो डेट कंपनी में हमने रजिस्टर्ड किया उस डेट पे, मतलब मैं अगर फुल बिल एक शब्द में कहूँ तो ये कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जिस तरीके से ख्याल रख रही है। और इन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने अपने पूरे 8 साल के करियर में किसी भी कंपनी के MD को मैंने एक साधारण लोगों के साथ, लेकिन मैं एक साधारण लेवल ही मानता हूँ, मैं इतना बड़ा लेवल नहीं मानता कि कोई इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला इंसान को किसी भी डिसीजन के लिए अपने प्लेटिनम लेवल के लोगों के साथ एक आपका फोन मीटिंग कर रहे हैं। ये मेरे जिंदगी को बोलते ना हार्ट टचिंग मोमेंट रहा है मेरे लाइफ के लिए, कि वाकई में मैं एक ऐसे कंपनी के साथ हूँ जहाँ पे अब मुझे किसी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है। और ना मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कि बिल्कुल अगर आंख बंद करके भी डे ड्रीम में चलते हैं ना तो भी सही रास्ते पे चलेंगे। बहुत अच्छा सर, चलते सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो कि पेंडेमिक के सिचुएशन में जहाँ की हम लोग अपने घर में बंद है और जहाँ की ज्यादा मीटिंग भी नहीं कर पा रहे, ऐसे धीरे धीरे माहौल अब नॉर्मल हो रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपसे जानना चाहेंगे संजय सर, कि आपने कौन ऐसा चीज, कौन ऐसा एक्शन प्लान अपनाया जिससे कि आपकी टीम आपके साथ रही, आपकी टीम आपके साथ बढ़ती रही, लोगों का बिजनेस बढ़ता रहा, लोगों का इनकम तो उतना नहीं लेकिन हाँ साथ में रह करके आपके साथ चलते रहे, कुछ आइडियाज को सर आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल सर, क्योंकि जब 14 अप्रैल को लॉकडाउन लगा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, जिस जिले में मैं हूँ वहाँ पे 14 अप्रैल से लगा था, तो इस चीज़ की मैं पहले से महसूस कर रहा था कि अब चूंकि संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, तो मैंने सबसे पहला काम किया जूम मीटिंग। तो जब मैं जूम मीटिंग करता था कंपनी लेवल की जिस दिन मीटिंग होती थी उस डेट को छोड़ दिया जाए, तो मैं दिन में भी जूम मीटिंग करता था और रात में भी, दिन में 12 बजे से कभी 2 बजे से जूम मीटिंग मेरी स्टार्ट होती थी और रात को भी जूम मीटिंग मेरी स्टार्ट होती थी, वो 8 बजे से 6 बजे से 7 बजे से ऐसे कंटिन्यू हो जाता। ये करने का मेरा मकसद क्या था कि चूंकि इस टाइम का जो माहौल था कोरोना का इतना भयावह और इतना डरावना माहौल था कि हर एक व्यक्ति यूट्यूब पे जाकर के कुछ देखता है या नहीं देखता, लेकिन कोरोना का न्यूज जरूर देखता था। तो इस न्यूज से मैंने अपने लोगों को दूर ले जाने की कोशिश की कि जब मैं दोनों टाइम पे ब्रेन जूम मीटिंग स्वयं करता रहूंगा यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि उनके पास जो समय है वो 24 घंटे उनके ब्रेन के अंदर, कहा जाता है दो चीजें ज्यादा डालेंगे ब्रेन उसी के बारे में ज्यादा सोचता है। तो मैंने हमेशा बिजनेस के ऊपर बिजनेस, बिजनेस के ऊपर बिजनेस और एक एक प्रोडक्ट का पार्टिकुलर, एक एक ऑर्गन्स का, बहुत सारे ऐसे मैंने PPT बनाया जो पूरे बॉडी को सामने रख करके एक एक ऑर्गन्स की मैंने जानकारी दी, एक एक प्रोडक्ट को लेकर के मैंने उनको ट्रेनिंग दिया। सबसे अच्छी बात कि इस पेंडेमिक टाइम के बाद जो समय हमारा आने वाला है, जो हमारी जो प्रिपेयरिंग प्लानिंग थी, वो हमारा एग्रीकल्चर का टाइम है, खेती का टाइम आने वाला है और वो एक ऐसा टाइम होगा जहाँ हमें बरसात में पानी की समस्या का दिक्कत करना पड़ेगा कि अनचाहे मौसम में बिना बताए बारिश हो जाना और फिर उस टाइम पे हम घर से नहीं निकलेंगे, कभी शॉपिंग में नहीं जा पाएंगे, कभी और कुछ नहीं करेंगे। तो इसकी जो प्री प्लानिंग थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोर हम बनाएं, लोगों के पास छोटे छोटे स्टोर रखें ताकि वो उनको अगर दुकान पे शॉप पे नहीं भी जा पा रहे खरीदी करने तो अपने पास कर लें। दूसरी चीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के मैंने कुछ ज्यादा महत्व दिया क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी कितना भी बारिश हो लेकिन हमारे बिजनेस को कभी भी डाउन नहीं होने दे। मैं इसका कारण समझता हूँ कि पहली चीज ये कि जो डॉक्टर मनमोहन मित्तल सर ने हमें एग्रीकल्चर की जो 3-4 बार जो हमने उनकी ट्रेनिंग ली,
और इसके ऊपर मिशन कंपोजिशन के बारे में जानकारी ली कि जो 16 न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर हैं जो कभी भी हमारे जमीन को हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते बल्कि उसकी उपज को बढ़ा देंगे ऑर्गेनिक खेती को लेकर। तो मैंने ऑर्गेनिक खेती के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और इस ट्रेनिंग के बाद हुआ क्या, प्लानिंग के प्लानिंग ऊपर किया कि यदि आपके मोहल्ले में 100 लोग आज तक हमने उन लोगों को कभी टच नहीं किया क्योंकि हमारे पास बिजनेस मॉडल होता था और वो प्लांट भी सुनना नहीं चाहते थे, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि वो 100 के 100 लोग खेती को जरूर करेंगे तो हर घर तक अपने प्रोडक्ट को लेकर के विशेषता बताएंगे। क्योंकि एक चीज मुझे फील हुई है किसान परिवार में होने के नाते कि हर व्यक्ति आज के डेट में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है बशर्ते उसके पास एक डर है कि कहीं हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारी पैदावार या उपज कम ना हो जाए। तो इसके जो विस्तृत जानकारी है उन्हें हम दे कि अभी तक हम एनपीके के फॉर्म में जो दे रहे थे यूरिया पोटास तो उसके जगह पे अब हम अपना हैप्पी ग्रो यदि देते हैं तो वो क्या उसकी पैदावार को बढ़ा देगा, तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को लेगा, हमें ट्राई करने के लिए लेगा लेकिन वो लेगा। ओके सर, संजय सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंटरेक्शन करके, और करीब 40 मिनट जो आपने बातें अपनी कही है यकीन मानिए मैं बहुत लीडर को सुनता हूँ, बहुत स्पीकर को सुना अपने 22 साल 23 साल करियर में, लेकिन जिस तरह से आपके एक्शन प्लान है, आगे का एक्शन प्लान है, और लॉकडाउन में आपने जिस तरह से और अपने जीवन के बारे में बताया, मेरी एक ही दुआ है कि यह हमारा पहला और आखिरी इंटरव्यू ना हो, अगले बार जब आप मिले या तो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर मिले किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले तो आप डायमंड प्रेसिडेंट मिलकर बनकर के मिलना। सो बेस्ट ऑफ लक, आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज के जो हमारे दो स्पीकर थे जो हमारे पैनल पे आए थे मिस्टर रविंद्र राठौर और मिस्टर संजय रवि के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन 250 लोग हम लोग एक जोरदार ताली जिन्होंने जिस तरह से अपने जीवन के बारे में अपने आइडियाज, लेकिन ये एपिसोड तब तक इनकम्प्लीट है दोस्तों क्योंकि हमारे डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर चौधरी कमलजीत अगर वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये जो एपिसोड है तो मैं चाहूंगा इस वक्त में ठीक है सर स्वागत कीजिए हमारे डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर चौधरी कमलजीत सर के लिए। सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर मैं सुन पा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। आपके कुछ अनमोल शब्द सर जो हम लोगों को प्रेरित करे सर। जी सर पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म को और मजबूती के साथ और बड़ा होता जा रहा है, और अभी मैं भी मीटिंग में था, मैं भी मीटिंग लेकर अभी इंदौर में अभी होटल में आए हूँ। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कार में जब ट्रेवल कर रहा था तो रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहा था। रविंदर भट्ट ने भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें लोगों को समझाई, टीम को समझाया कि आईबीओ क्या होता है, फ्यूचर क्या है, और रवि जी ने भी अपनी कहानी सुनाई। रियली दोनों ही लीडर वंडरफुल है, अद्भुत है, अपने आप संघर्ष जो इनकी जीवनी है वो एक संघर्ष है। सबको यही समझना चाहिए कि जितने भी लोग हैं कि जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जो भी सक्सेस स्टोरी आ रही है वो संघर्ष की वजह से आ रही है। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया, विपरीत परिस्थितियों में अपनी टीम के साथ खड़े रहे। आप देखेंगे कि अगर विपरीत परिस्थिति में हम खड़े रहते हैं तो हम एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार होते हैं। अगर हवाई जहाज की भी बात करें तो वो भी विपरीत परिस्थिति जहाँ विपरीत हवा होती है और उसके विपरीत वो उड़ता है तो एक बड़ी उड़ान ले पाता है और एक बड़े डेस्टिनी पे जा पाता है। तो मैं सबको एक चीज कहूंगा कि अगर आप बड़ा खेल खेलना चाहते हैं, बड़ा जिंदगी में बड़ा कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चुनौतियों का आना तय है और उन चुनौतियों का डट के सामना करिए, आप भी डायमंड बन जाएंगे। मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल विश्वास, लगन, स्टेबिलिटी, चुनौतियां, संघर्ष, यही जिंदगी का नाम है और इसी को संघर्ष करके आपको जीतना है जिंदगी से। हजारों करोड़ों लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, उनमें से बड़ा खेल जो खेलेंगे वो संघर्ष करेंगे, वही जीतेंगे, वही हजारों लोग आगे आएंगे। तो आप मेंटर बनिए अपनी टीम के प्रति, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे कुछ आएगा, पेशेंस रखिए। अभी लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है तो अभी आप सब लीडरों को पता लग गया होगा कि उनके पेउट में इजाफा हुआ, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ है। जैसे जैसे पेउट बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन खुलता जा रहा है, वैसे लीडर्स के पेउट भी बढ़ते जा रही है। तो रियली बहुत अच्छा लगा आज रविंदर राठौर जी ने बहुत मोटिवेट किया मुझे और रवि जी ने भी बहुत मोटिवेट किया और आगे भी बहुत सारी स्टोरीज आएंगी, उनसे प्रेरित होंगे। अपनी कहानी खुद बनाइए, आपकी कहानी बिकेगी,
कहानी तभी बनेगी जब आप संघर्ष करेंगे, आसान परिस्थिति से कहानी नहीं बनती है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमल जी सर फॉर योर प्रेशियस वर्क एंड द गोल्डन वर्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जहाँ पे कमल जी सर ने मैं खत्म किया मैं उनका एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डर के आगे जीत है, और डर के आगे जीत नहीं है दोस्तों। आपने दो लोगों को देखा आज पैनल पे जो जिन्होंने प्रूफ कर दिया कि संघर्ष के आगे जीत है, संघर्ष के आगे चमक है, संघर्ष के आगे जिंदगी है। और जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, संघर्ष के आगे कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया, इस सक्सेस स्टोरीज के तीसरे एपिसोड के अटेंड किया। तो फिर एक बार फिर अगले संडे रात 8 बजे फिर मैं दो स्पीकर दो कामयाब व्यक्ति को लेकर के आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अपने टीम को आगे बढ़ाने में सारी ताकत लगा दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, कीप सेफ एंड टेक केयर योर फैमिली। गुड नाइट एवरीवन।